हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखाज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल हलवा की रेसिपी। वैसे तो मैंने दो तरह के मूंग दाल हलवा की रेसिपी अपने चैनल पर पहले अपलोड कर रखी है। एक है इंस्टेंट मूंग दाल हलवा और दूसरा सोक्ड मूंग दाल हलवा, भीगी हुई मूंग की दाल का हलवा। और काफ़ी आप सभी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है उसे। तो आज जो रेसिपी है ये रिक्वेस्टेड रेसिपी है और ये काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मूंग दाल हलवा बिना दूध और बिना खोया से बनाना सिखाया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को दूध और खोया से एलर्जी है और कुछ लोग दूध और खोया डालना पसंद नहीं करते हैं। तो उन्होंने स्पेशली ये रिक्वेस्ट की है कि बिना दूध, दूध की कोई भी आइटम यूज़ ना हो, बिना दूध और खोया से मूंग दाल हलवा सिखाया जाए। तो आज मैं ये रिक्वेस्टेड रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो आइए इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। ये हमने मूँग की दाल ली है, 1 कप मूँग की दाल मैंने 4 से 5 घंटे भिगो ली है। 1 कप शुगर ली है, शुगर आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यदि आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप शुगर कम लें। ये मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम घी लिया है। किशमिश ले ली है, 1/2 कप किशमिश है, 10 से 15 काजू और 10 से 15 हमने बादाम कट कर लिए हैं। पिस्ता ये भी हमने 8 से 10 लिए हैं और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 30 से 35 केसर के धागे हमने गर्म पानी में भिगो लिए हैं। ये मैंने आधे घंटे से भिगो कर रखे हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आप नहीं डालना चाहते हैं केसर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हलवा ऐसे भी अच्छा बनेगा। वैसे इन सब की मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी होती है वीडियो के नीचे। तो लेट्स स्टार्ट कुकिंग विद रेखा। ये मैंने दाल को जार में डाल दिया है, भीगी हुई दाल को। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये देखिए 1 चम्मच पानी है, ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट हो। और इसे हम बंद कर देंगे और दाल को हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट भी नहीं बनाना है, इसे हम दरदरा ही पीसेंगे। फ्रेंड, दाल हमारी पिस चुकी है, तो आइए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, हमने पैन लगा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ा गर्म हो जाए घी। ये हमारा घी गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम, काजू, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो चलिए इसे निकाल देते हैं, ये रेडी है। ये देखिए काजू बादाम हमने निकाल दिए हैं, तो इसी में ही हम किशमिश भी भून लेंगे। किशमिश को हमें ओनली फूलने देना है और जैसे ही हमारी किशमिश फूल जाएगी हम इसे निकाल लेंगे। किशमिश हमारी फूल चुकी है तो इसे भी हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने किशमिश निकाल दी है तो इसमें हम थोड़ा घी और ऐड करेंगे इसी पैन में जिसमें हमने बादाम काजू रोस्ट किए हैं। थोड़ा सा घी हम रहने देंगे कटोरी में ही और इस घी में हम डालेंगे ये जो हमने पेस्ट बनाया था दाल का, तो ये हमने पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे। स्टार्टिंग में इसमें थोड़े बहुत लम्स आ सकते हैं लेकिन वो लम्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, आप इसे रेगुलर चलाते रहें। ये फ्रेंड्स, दाल जो है हमारी सारा घी धीरे धीरे अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब हमारी जो दाल है वो प्रॉपरली भुन जाएगी तो दाल सारा घी वापस रिलीज कर देगी, छोड़ देगी। जो आपको इसमें बीच में दिख रहे हैं लम्स, ये अपने आप ठीक होते जाएंगे जैसे जैसे हमारी दाल पकती जाएगी। गैस की फ्लेम मेरी लो मीडियम के बीच है, पूरी मीडियम पे नहीं है, लो मीडियम के बीच है। इस दाल को भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है,
काफी पेशेंस चाहिए। और फ्रेंड्स, मूंग दाल हलवा के लिए प्रेफर करें नॉनस्टिक का पैन या कढ़ाई ही लें, क्योंकि दूसरी जो कढ़ाइयाँ होती है उसमें थोड़ा सा टफ होता है बनाना, उसमें थोड़ा घी और ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है ताकि ये दाल चिपके नहीं। तो फ्रेंड्स, दाल को हम दूसरी साइड लगा लेते हैं इसको भूनने के लिए, और दूसरी साइड हम रखेंगे इसे लो फ्लेम पर, क्योंकि बीच में हमें अभी चाशनी भी तैयार करनी है, क्योंकि हम बिना दूध और बिना खोया का हलवा बनाने जा रहे हैं, तो हम इसके लिए चाशनी रेडी करेंगे। ये देखिए, मैंने एक पतीली लगा ली है चाशनी बनाने के लिए, तो इसमें डालूंगी मैं शुगर। ये मैंने शुगर डाल दिया है 1 कप, तो 2 कप मैं इसमें पानी डालूंगी। हम 2 कप पानी डाल रहे हैं क्योंकि हमें कोई ऐसा नहीं है कि तार की चाशनी बनानी है। दूसरी तरफ हम अपने हलवे को भी दाल को चलाते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ देंगे, साथ साथ चलाते जाएं ताकि वो जले नहीं। और इसी चाशनी में मैं ऐड करूंगी केसर, ताकि केसर का जो कलर है वो अच्छी तरह से मिल जाए चाशनी में। तो अब हम इसे बॉईल होने देते हैं। तो चलिए, जब तक हमारी चाशनी रेडी हो रही है दाल को भून लेते हैं। ये देखिए, इसका दाना दाना धीरे धीरे अलग हो जाएगा, जैसे जैसे हमारी दाल भूनती जाएगी इसका दाना दाना अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें, यदि आप इसका येलो कलर ही रहने देना चाहते हैं दाल का, तो आप इसे लो फ्लेम पर भूनें। यदि आप चाहते हैं कि आपके हलवे का कलर ब्राउन हो, तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर भूनें, अपने आप इसका कलर धीरे धीरे ब्राउन होता जाएगा। इसमें देखिए, दाल में कोई बीच में एक दो दाना ऐसा है जो कि साबुत रह गया है, ये देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप चाशनी के साथ पक जाएगा। ये देख सकते हैं आप, एक दाना बीच में, कोई एक दो दाना है जो कि मिक्सी में प्रॉपर नहीं पीसा है, तो वो अपने आप पक जाएगा जब हम चाशनी इसमें डालेंगे। सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी भीगी हुई दाल है और घी में भुनी हुई दाल भी है। ये दाल को हमने बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बनाया है, हल्का सा दरदरा रखा है। देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी बिल्कुल दाना दाना हो चुकी है, अलग अलग हो चुकी है, और इसने घी छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। बस हम इसे 2-3 मिनट के लिए और भूनेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो पे कर रखी है आप, और दूसरी साइड मेरी चाशनी रेडी है। बस हमें 2 मिनट के लिए चाशनी को और उबालना है। चीनी उसमें पिघल चुकी है, अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो मेरी चाशनी अभी बॉयल हो रही है। तो चीनी पिघलने के बाद मैं उसे 4 से 5 मिनट तक बॉयल करूंगी, जिसमें से 2-3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हलवे ने, दाल ने पूरी तरह से घी छोड़ दिया है। जब ये दाल बिल्कुल पक जाएगी तो इस तरह से घी छोड़ देगी, देख सकते हैं आप, और दाल बिल्कुल क्रिस्पी भी हो चुकी है। तो चलिए, चाशनी चेक कर लेते हैं। ये हमारी चाशनी भी रेडी है फ्रेंड्स। इसे कोई हमें एक तार की या चिपचिपी चाशनी नहीं बनाना है। मैंने 1 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी ऐड किया है, उसके बाद मैंने इसे 5 मिनट तक बॉईल किया है मीडियम फ्लेम पर, मीडियम से हाई फ्लेम के बीच, और बस हमें इतना ही बनाना है। इसे निकाल देंगे फ्रेंड्स। दाल हमारी बिल्कुल भुन चुकी है, ये देखिए घी भी पूरी तरह से रिलीज हो चुका है, ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है, तो हम इसमें चाशनी डाल देंगे। ये जो हमने शुगर सिरप रेडी किया है, बस ये हमने शुगर सिरप ऐड कर दिया है। अब हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे, ये दाल अपने आप सॉफ्ट होती जाएगी और ये थिक भी होती जाएगी इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, थिक होनी स्टार्ट हो चुकी है दाल धीरे धीरे, तो अभी हम इसे इसी तरह से चलाते जाएंगे। गैस को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है,
आप चाहें तो हाई पे भी कर सकते हैं इसे। बस हमें शुगर सिरप को सूखने देना है थोड़ा। ये शुगर सिरप के बीच हमारी जो दाल है ये भी सॉफ्ट हो जाएगी। इसका जो ये कलर आया है ये देखिए येलो, ये हमने इसमें केसर ऐड किया है जो कि चाशनी में बॉईल होने के बाद अच्छी तरह से कलर छोड़ चुका है। ये फ्रेंड्स हमारा हलवा इतना थिक हो चुका है, तो इसमें अब हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ये हम इलायची भी डाल देंगे, इलायची पाउडर जो हमने लिया था, और पिस्ता मिक्स कर देंगे। थोड़ा ड्राई फ्रूट और पिस्ता मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल दिया है, रख लिया है। इसमें हमने कोई खोया कोई दूध ऐड नहीं किया है, फिर भी ये हलवा बहुत ही अच्छा बना है। और अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे। मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है और इस पर हम ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट तक इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये दानेदार बनेगा। ढक्कन लगाने के बाद इसमें मॉइस्चर की वजह से थोड़े थोड़े इसमें दाने दाने अलग हो जाते हैं। तो मैं इसमें अब ढक्कन लगाऊंगी, ये देखिए। इसी तरह से अब हम मैं 2 से 3 मिनट इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी। ये अभी 2 मिनट हुए हैं हमें इसे ढक्कन लगाकर, तो 2 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाना दाना होना स्टार्ट हो चुका है। ये अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए काफ़ी फर्क पड़ चुका है। इस तरह से हलवा चिपका हुआ नहीं बनता है जब ढक्कन लगाकर इसे पकाएंगे, और इसके दाने दाने अलग हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा इतना घी अभी बचा हुआ है जो हमने लिया था, इसमें से हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये मैंने, और बाकी हमारा बच गया है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे अब। तो फ्रेंड्स अब हम फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इसी तरह से छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम लो पर है मेरी, ध्यान रखें। जी फ्रेंड्स 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे पूरे 3 मिनट तक फिर से ढक्कन लगाकर पकाया है। ये देखिए अब बिल्कुल दाना दाना अलग हो चुका है, ये देखिए, और हलवे ने घी भी रिलीज़ कर लिया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे। ये मैंने गैस बंद कर दी है, ये देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, दाना दाना अलग है, कोई चिपका हुआ हलवा नहीं बना है ये, क्योंकि हमने इसमें ढक्कन लगा दिया था इसलिए। तो आइए इसे सर्व करें। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मूंग दाल हलवा बनकर रेडी है। इसे हमने बिना दूध बिना खोया से बनाया है, इसमें कोई भी हमने दूध के आइटम यूज़ नहीं की है, और बहुत ही टेस्टी बहुत यमी बना है ये, और बिल्कुल दानेदार बना है। आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम स्टेप जो मैंने आपको बताई है कि कब आपको ढक्कन लगाना है कब नहीं। मुझे इसे बनाने में टोटल 40 मिनट्स लगे हैं इस हलवा को बनाने में, और आप इसे ट्राई कीजिए। यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।